नमस्कार, चटपटी व्यंजन में स्वागत है। आज हम सेवैया बनाएंगे। सेवैया बनाने के लिए एक कटोरी सेवई और एक कटोरी चीनी लिए हैं और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी ले सकते हैं। अब कढ़ाई में घी डालेंगे। घी को गर्म कर लिए है, अब इसमें सेवैया डालेंगे। सेवैया डाल दी है, अब इसे धीमी आंच पर धीरे धीरे चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिए है, अब सेवैया को हटा देंगे और दूध को गर्म कर लेंगे। एक लीटर दूध लिए है और इसको अच्छी तरह से उबाल लेंगे। दूध से अच्छी खुशबू आने लगे तब इसमें हम सेवैया डालेंगे। सेवैया को डाल दिए है और इसे धीमी आंच कर देंगे और धीरे धीरे चलाते हुए पका लेंगे। धीमी आंच पर धीरे धीरे इसे पकाते हुए सेवैया को गलने तक पका लिए हैं। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। चीनी हमेशा सेवई पकने के बाद ही डालेंगे और इसे चीनी डालने के बाद 2-3 मिनट और पका लेंगे। अब इसमें इलायची को छील के डालेंगे और कटे हुए ड्राई फ्रूट डालेंगे। सेवैया न ज़्यादा पतला हो न ज़्यादा गाढ़ा लटपट टाइप का हो, उसी तरह से पका लेंगे। सभी को चला के मिला ली है, गैस ऑफ कर देंगे और सर्व करने के लिए सेवैया को निकालेंगे। सर्व करने के लिए सेवैया को निकाल ली है, इसे गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे। इसके साथ पूरी, चपाती, कुछ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाना बहुत ही आसान है। आप भी एक बार इस तरीका से बनाएं, खाएं और मेरे वीडियो को लाइक कर दें।